नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंकर टेक में। अरे रुक जाओ भैया, लगता है सैलरी आ गई है। सिर्फ 5,000 रुपये? मुझे नहीं करना है यार, अब तो हद हो गई, मुझे नहीं करना है अब मीडिया में जॉब। नहीं, आप बताओ, बचपन से सपना था कि मीडिया में जाके नाम कमाऊंगा, समाज सेवा करूंगा, रोटी दाल चलाने को ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, लोग एंकर एंकर कहकर बुलाएंगे, लेकिन सुनने को क्या मिला? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बता। कंपनी ने मुझे 25,000 रुपए महीने की सैलरी पर रखा, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए पकड़ाकर बोल देते हैं अगले महीने हिसाब क्लियर कर देंगे। पैसे देने में जितना ये कंपनी के एचआर आनाकानी करते हैं ना, इतना कोई नहीं करता, जैसे पैसे इनके घर से जा रहे हों, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे घर से लेके विदेश तक, यहाँ तक कि राशन कार्ड तक का नंबर मांग लेते हैं। सीवी में देखकर हेड बोलता है, पंक्चुअल हो? मैंने कहा हाँ पंक्चुअल तो हूँ, तो बोला यहाँ नहीं चलेगा। मैंने सोचा बहुत सही जगह आ गया हूँ, माता रानी की कृपा है जो मैं यहाँ पे आ गया। पता चला 8 घंटे की पंक्चुअलिटी की बात ही नहीं कर रहा था, उसके कहने का मतलब था यहाँ पे 12 से 13 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। दुनिया को तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा तो हम मीडिया वाले ही कमाते हैं, किसी की न्यूज छाप दो और नोटों की गड्डी तैयार। बेटा सच्चाई बहुत दूर है, बड़े एंकर को छोड़ दो तो हम जैसे छोटे एंकर ना कोर्ट के अंदर फटी बनियान पहनते हैं, छोटे लोगों को टाइम पे सैलरी तक नहीं मिलती है, ऊपर से तुम लोगों ने गोदी मीडिया कह कह के ना पूरी रेपुटेशन की ऐसी तैसी कर दी है, पैसा और इज्जत दोनों ही नहीं मिलती है। रही बात काम की तो बहुत से गाली देते हैं, मीडिया काम नहीं करती। काम तो हम करना अच्छे से जानते हैं। एक दिन की बात बताता हूँ, एक खबर में ज्यादा सच्चाई लिख दी, बॉस आकर बोला बेटा तुमने इस कंपनी का बहुत उद्धार कर दिया। मैंने सोचा आज तो भाई का प्रमोशन पक्का है, लेकिन हुआ क्या, 2 महीने तक रिजाइन लेटर घूमा हूं मैं, नौकरी नहीं मिली है। उसके बाद बंदा करे तो करे क्या, छोटे चैनल में काम करने को मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। बोलते हैं हमारा बजट तो 12,000 रुपए है, इतने बड़े शहर में ना मजदूर भी हमसे ज्यादा कमा लेता है, बड़े चैनल के खुद के स्कूल खुले हैं, जब अपने ही बच्चों को भर्ती करेंगे तो तुम्हें क्या घंटा नौकरी दे, और जो नौकरी निकलती भी है तो उसमें इतनी जुगाड़ तो होती नहीं है कि मैं बोलूं बेबी इंटरव्यू हो जाएगा ना, सिलेक्शन पक्का समझो, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें चाहिए बड़े बड़े लोगों का पौआ, तो बताओ जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। बुलेटिन में देरी के लिए माफी चाहता हूँ, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो भैया फिर आखिर में क्या करें, पकौड़े तलने से अच्छा है यही नौकरी कर लेते हैं। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करके हमें बताएं, पार्ट 2 आपका इंतज़ार करेगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।